कोरोना बीमारी से निपटने के लिए हमीरपुर व्यापार मंडल ने भी जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया जा रहा है। इसी के चलते अब व्यापार मंडल हमीरपुर ने भी सभी व्यापारियों के कोरोना टेस्ट करवाने का निर्णय लिया है। हमीरपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिल सोनी ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि कोरोना बीमारी से बचने के लिए व्यापारी वर्ग एकजुट होकर काम कर रहा है। इसी के चलते व्यापार मंडल के सदस्य ने टाउन हॉल में कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल भी दिए गए हैं। वहीं अनिल सोनी ने कहा कि नगर परिषद चुनावों के लिए भी सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सभी व्यापारी वर्ग अनुपालना करेंगे ताकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिल सोनी ने कहा कि व्यापार मंडल के द्वारा कोरोना से निपटने के लिए काम किया जा रहा है और इसी के चलते अब कोरोना टेस्ट व्यापार मंडल के द्वारा करवाए जा रहे हैं, जिसमें व्यापार मंडल के सदस्य बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। प्रशासन का, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि प्रशासन का हम पूरा सहयोग करेंगे और मैं अपने व्यापारी भाइयों से सबसे यही अपील करूंगा कि सब अपना चरणबद्ध तरीके से, जैसे हमारे को सीएमओ ऑफिस से या प्रशासन से जो भी एसओपी जो हमें गाइडलाइंस आएंगी, हम उसके अनुसार अपने सारे व्यापारियों का हम कोरोना टेस्ट करवाएंगे। और इसमें ये अपने हमारे दुकानदार भाई इस चीज़ को ध्यान से समझें कि जो रैपिड टेस्ट है उसकी रिपोर्ट हमें इमीडिएटली आ जाएगी। तो किसी को ऐसा नहीं है, अपने दिमाग में ऐसा ना समझें कि हमें दो दिन दुकान बंद करनी है टेस्ट के बाद, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उसकी इमीडिएटली रिपोर्ट आ जाएगी। जिस किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उसको फिर अगला अपना कदम उस हिसाब से रखना चाहिए। और आज हम सारे पदाधिकारी व्यापार मंडल के अपना टाउन हॉल में 1 बजे हम सारे अपने सैंपल देके आज हम अपने सैंपल्स देंगे और कोरोना टेस्ट करवाएंगे। मंडल का प्रशासन को यही अपील भी है और सहयोग तो हमारा पूरा पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा। और यही मेरी अपील रहेगी कि जितने भी हमारे को सरकार की कोई गाइडलाइंस आती हैं, एसओपी आती है, तो हम उसको भरपूर समर्थन करते हैं और अपने हम पूरा सहयोग प्रशासन का करेंगे कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी वो तो अपने आप ही आइसोलेशन में चला जाएगा और बाकी उसके समर्थक देखेंगे। अनिल सोनी ने कहा कि जिला प्रशासन के निर्णय के खिलाफ कुछ व्यापारी रविवार को अपनी दुकानें खोल रहे हैं, जिसकी जानकारी उपायुक्त को मुहैया करवाई है और ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये हमारे को आया था जी लास्ट वीक, जो संडे को कुछ मॉल हमीरपुर में खुले थे तो उसका मैंने मैडम डीसी से मिलके उस पर संज्ञान लिया था और मैडम ने बोला कि इस हफ्ते आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, हम इसको सारे को टेकअप करेंगे खुद। वही नगर परिषद में फर्जी वोटरों को उजागर करने के लिए व्यापार मंडल ने मांग की थी, जिस पर कार्रवाई भी हुई है। उन्होंने कहा कि शहर के लोगों को भी समझना चाहिए कि फर्जी वोटरों को उजागर करें ताकि सही प्रतिनिधि चुनकर इन चुनावों में आ सके। देखिए, मैंने फर्जी वोटों के चक्कर में वार्ड नंबर 9 में एक ही घर में 122 वोट बनाए थे। मैंने उसको चैलेंज किया था अपने तहसील ऑफिस में, जिसमें से 101 वोट दूसरे दिन काट दिए गए थे। और वार्ड नंबर 10 में हाउस नंबर 0 में कुछ वोट्स बनाए गए थे, वो भी काट दिए हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं समझता हूँ, अपने पर्सनल तौर पे मैं समझता हूँ कि बाहर के लोगों के वोट बनाने से किसी का भला होने वाला नहीं है। वो इलेक्शन जीत हार के लिए स्ट्रेटजी किसी की हो सकती है, पर मुझे लगता है कि जो हमारे बाशिंदे हैं, जो हमारे लोकल रेजिडेंट्स हैं, उनके वोट ही बने और वही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें।